आप सभी स्टूडेंट का सरस्वती लर्निंग सेंटर में स्वागत है। और अपन जो है 3 पार्ट समाप्त कर दिए हैं। इसमें भी जो लास्ट जो तीसरा पार्ट पढ़ा था परमाणु और अणु, अपन जो जो ये भी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो सभी जो है वो केमिस्ट्री से संबंधित है, रसायन विज्ञान से संबंधित है। और यह पार्ट अपने को धीरे धीरे किसी भी कण के सूक्ष्मता की ओर लेकर जाता है। पहले पार्ट में जो हमने पढ़ा था पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ बहुत बड़े प्रकार से अपन बता सकते हैं उसको, बहुत बड़े भाग होते हैं एक प्रकार से, बहुत बड़े अपन कह सकते हैं देखने योग्य चीज़ें होती है। और उसमें हमने लास्ट पढ़ा था वह सूक्ष्मतम कणों से बना होता है, तो अपन उस सूक्ष्मतम कण की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। और उसकी जो स्ट्रक्चर कैसी होती है वो भी अपन अब इस जो पार्ट शुरू होने वाला है अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने पदार्थों के शुद्धिकरण की विधियाँ पढ़ी थी। फिर जो तीसरा पार्ट अभी जो हमने समाप्त किया है उसमें हमने पढ़ा था कि परमाणु और अणु, तो उसमें परमाणु अणु की जो है वो सर्च परिभाषा, परमाणु अणु क्या है और अणु कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी बातें जो है वो हमने तीसरे पार्ट में समाप्त की है। अब अपन जो इस केमिस्ट्री का जो लास्ट टॉपिक है वो अपन इसमें समाप्त करेंगे इस पार्ट में। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट हम जानते हैं, चौथा पार्ट है और पार्ट का नाम है परमाणु की संरचना। तो अपन इस बार पार्ट में पढ़ेंगे कि परमाणु कैसे बना होता है, उसमें प्रोटॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, उसमें अपन प्रोटोनों को प्रोटॉन किस जगह पर स्थित होते हैं, ये सभी अपन उसमें बातें पढ़ेंगे। अपन इसमें और भी पढ़ेंगे कि कई ऐसे परमाणु भी होते हैं जिनकी जो परमाणु संख्या है यानी उसमें प्रोटोनों की संख्या समान होती है लेकिन उसके अंदर जो है वो अपन कह सकते हैं न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो अलग अलग प्रकार से होती है, तो उसको अपन बोलते हैं समस्थानिक। कई ऐसे परमाणु होते हैं जिसकी अपन कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या समाप्त होती है, समान होती है लेकिन उसकी जो प्रोटोनों की संख्या है वो अलग अलग होती है, उसको अपन समभारी के नाम से जानते हैं। और उस समस्थानिक का उपयोग क्या है वो अपन सब इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। तो एक तरह से केमिस्ट्री का ये अपनी 9th कक्षा का लास्ट टॉपिक है और अपने इसके बारे में अपन बहुत अच्छी परमाणु के बारे में अपन जानकारी पढ़ेंगे। इसमें परमाणु के जो विभिन्न मॉडल है, जो शुरुआती मॉडल अपने इस किताब में 3 मॉडल दिए हुए हैं, पहला जो मॉडल है वो थॉमसन का मॉडल है और उसके बाद जो दूसरा मॉडल है वो रदरफोर्ड का मॉडल है और जो तीसरा मॉडल है वो मॉडल जो है वो अपने अपन बोल सकते हैं उसको बोरॉन बोर मॉडल है। तो अपन तीनों मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से बड़ा सवाल भी आता है और ये जो पार्ट है इसमें से एक बड़ा सवाल निकलता है और एक छोटा सवाल निकलता है, तो कई अपन इसके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। अपन शुरुआत करते हैं कि परमाणु की संरचना। अभी तक तो जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण है, लेकिन फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों को ये मालूम पड़ा कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य कण नहीं है, उसको तोड़ा जा सकता है, वह भी कई प्रकार के छोटे छोटे जो है वह सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, तो उस सूक्ष्म कणों को भी परमाणु के अंदर से निकाला जा सकता है। तो परमाणु अविभाज्य कण है, यह जो अवधारणा है वो जो है वो अपन कह सकते हैं गलत साबित हो गई, परमाणु को तोड़ा भी जा सकता है। तो अपन इस पार्ट में ये सब चीजें जो है वो पढ़ने वाले हैं। इसमें दे रखा है कि एक वैज्ञानिक में है, उस वैज्ञानिक का नाम है जे.जे. थॉमसन और जे.जे. थॉमसन जो है उन जे.जे. थॉमसन ने परमाणु के अंदर कुछ ऐसे कणों की खोज की जो ऋणावेश थे। और उसके बाद में एक वैज्ञानिक और वह हैं, उन वैज्ञानिकों का जो उस वैज्ञानिक का जो नाम है वो गोल्डस्टीन है, उन्होंने परमाणु नाभिक के अंदर जो है परमाणु के अंदर जो है वो धनात्मक कणों की खोज की। उसके बाद में एक वैज्ञानिक और हुए, उनका नाम है जेम्स चैडविक, 1932 में उन्होंने परमाणु के अंदर कुछ ऐसे कणों की खोज की जिसके ऊपर किसी प्रकार कोई आवेश पाया नहीं जाता था। तो ये जो है खोजों से सिद्ध हुआ कि परमाणु जो है वह भी कई प्रकार के सूक्ष्म कणों से बना होता है। तो अपन उसको एक टेबल के रूप में व्यवस्थित करते हैं और इसके नाम जो है अपन याद करने की अपन को याद करने हैं ताकि परीक्षा में 1 नंबर का सवाल बनता है कि बताइए परमाणु की खोज किसने की, अपन कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो उसके बारे में अपन एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कण का नाम, यहाँ लिखेंगे ये है कण का नाम, फिर लिखेंगे इसका प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, कैसे बताते हैं इसको, फिर अपन लिखेंगे इसमें अपन लिखेंगे
इस पर जो है वो खोजकर्ता कौन है, आवेश क्या है, आवेश क्या होता है, और पढ़ लेंगे इसमें खोजकर्ता। तो यहाँ पर कण का नाम हो जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्रतीक जो जाएगा उसको अपन स्मॉल ई ऊपर माइनस आवेश के रूप में प्रतीक इसका ई है, और आवेश उसमें जो होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। खोजकर्ता जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। दूसरा जो कण है उस कण का जो नाम है वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन को स्मॉल पी के रूप में बताया जाता है, इस पर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है, इस पर धनावेश होता है, और इसके जो खोजकर्ता थे वो ई गोल्डस्टीन। इसके जो खोजकर्ता थे उसका नाम है ई गोल्डस्टीन। यहाँ पर जो तीसरा कण है वो है न्यूट्रॉन। इसको अपन प्रतीक एम के रूप में बता रहे हैं, और इस पर ये उदासीन होता है। इसके खोज कर रहे हैं जेम्स चैडविक। तो ये इस प्रकार के खोजकर्ताओं थे, और ऐसा कहा जाता है कि जो प्रोटॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना जो है वो ज्यादा भारी होता है। पुरानी बुक में लिखा हुआ है 1875 गुना ज्यादा भारी होता है, लेकिन नई बुक में लिखा हुआ है 2000 गुना, लगभग 2000 गुना ज्यादा भारी होता है। अब इसमें जो पहला मॉडल है उसको अपन थॉमसन मॉडल कहा जाता है। सबसे पहला मॉडल है थॉमसन मॉडल, उसको थॉमसन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, थॉमसन मॉडल कहा जाता है, थॉमसन, या पर कह सकते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। पुरानी बुक है 9th की, उसमें लिखा हुआ है प्लम पुडिंग, या पर तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल, या पर इसका नाम होता है क्रिसमस केक मॉडल, क्रिसमस केक मॉडल। ये इसके नाम है, परीक्षा में किसी नाम से जो है वो प्रश्न आ सकता है। देखो इसमें एक वैज्ञानिक है उसका नाम था जे जे थॉमसन। इन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है वो एक ठोस गोले के रूप में होता है। ये इस प्रकार ये जो परमाणु होता है ये परमाणु एक ठोस गोले के रूप में होता है, और गोले के अंदर ये इस प्रकार इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। अब इन्होंने उपमा जो है परमाणु को समझाने के लिए जो उसकी जो उपमा है वो अलग अलग ढंग से दी है, परिस्थिति अनुसार जो है उपमा दी गई है। वास्तव में तो यही बताया गया है कि परमाणु एक ठोस गोला होता है और इलेक्ट्रॉन उसके बीच में धंसे होते हैं, रैंडमली जिगजैग रूप से धंसे होते हैं, लेकिन उन्होंने उसको समझाने के लिए कई प्रकार की उपमा दे दी है। चूंकि वो इंग्लैंड से संबंधित थे तो वहां पर क्रिसमस केक चलता था, उसके अंदर मेवे जो है वो धंसे होते थे मिठाई के अंदर, तो उन्होंने नाम दे दिया कि परमाणु ठोस गोला होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। हमारे यहाँ भारतीयों को समझाने के लिए बता दिया गया कि जैसे तरबूज होता है उसकी जो गुदे जो खाने योग्य भाग है गिर है उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो रणावेश है, बीज जो है वो रणावेश है, और ठोस गुदेदार भाग है वो उसका धनावेश भाग होता है। यदि इसको हम कहें कि प्लम पुडिंग मॉडल, तो वहां पर एक मिठाई भी चलती थी उसमें मेवे धंसे होते, वो प्लम पुडिंग मॉडल भी कहलाता था। लेकिन उन्होंने जो इसको समझाने का ये प्रयास किया कि इस परमाणु के अंदर जितनी मात्रा में धनावेश होता है उत्ता कुत्ता रणावेश होता है, और इसी बात के आधार पर जो है वो रदरफोर्ड ने प्रयोग द्वारा सिद्ध भी किया कि इसके अंदर जितने धनावेश भाग है उत्ता कुत्ता रणावेश भाग भी होता है। उन्होंने बताया कि जो ये परमाणु है उसकी जो अपन कह सकते हैं जो व्यास है वो 10^-10 मीटर कोटि का होता है। तो ये सब जो बातें हैं ये सब बातें थॉमसन ने बताई, और इस प्रकार आगे जाकर के परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की खोज हुई। अपन इस सेशन में ये मॉडल पढ़ेंगे, अगले सेशन में अपन रदरफोर्ड मॉडल की बात करेंगे।